गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे लेसन 13, इन सर्च ऑफ लिमी, लिमी की खोज में। द प्लांट्स हैव इम्पोर्टेंट रूल्स इन अवर लाइफ, पौधों का हमारे जीवन में होना महत्वपूर्ण है। दे प्योरीफाई द एयर वी ब्रीथ इन, जिसकी वजह से हमें शुद्ध हवा मिलती है। प्रोवाइड अस फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन मिलता है। एंड मेडिसिन हर्ब्स टू क्यूर डिशेज, और बीमारियों के लिए औषधियाँ प्राप्त होती है। मनीषा ए यंग गर्ल फ्रॉम नेपाल, मनीषा नेपाल की है। वेंट टू द फॉरेस्ट विद हर ग्रैंड मदर एंड हर ब्रदर दाजू, वह एक जंगल में गई अपने दादी और अपने भाई दाजू के साथ। इन सर्च ऑफ द लिमी प्लांट, लिमी की खोज में। लिमी इज ए स्पेशल प्लांट दैट हैज़ वाइट फ्लावर एंड शाइन ग्रीन लीव्स। लिमी एक विशेष पौधा है जिसमें सफ़ेद फूल और चमकीले हरे पत्ते होते हैं। इट इज़ गुड फॉर कोल्ड एंड कफ्स एंड अचिंग बोन्स, यह सर्दी और खांसी और हड्डियों में दर्द के लिए अच्छा है। बिकॉज पीपल डू नॉट ऑलवेज लुक आफ्टर प्लांट्स एंड ट्रीज, क्योंकि लोग हमेशा पौधों और पेड़ों की देखभाल नहीं करते हैं। देयर आर फेवर एंड फेवर ऑफ देम लेफ्ट, उनमें से कम और कम बचे हैं। मनीषा ग्रैंड मदर एंड दाजू डिड नॉट नो वेदर देयर वर एनी लिमी प्लांट्स लेफ्ट। मनीषा दादी और दाजू को नहीं पता कि क्या कोई नींबू के पौधे बचे हैं। After faring across the river, नदी पार करने के बाद, they crossed rosewood forest and a bombo thicket. उन्होंने रोजवुड के जंगल और एक बांस के घने जंगल को पार किया। But they did not find the limi there. लेकिन उन्हें वहाँ लिमी नहीं मिली। They climbed higher and come to a waterfall that रस्ट अवर द रॉक्स, वे ऊपर चढ़ गए और एक झरने के पास आ गए जो चट्टानों पर चढ़ गया। दे स्टॉप्ड देयर टू क्विंच देयर थर्स्ट फॉर वाटर, वे पानी की प्यास बुझाने के लिए वहीं रुक गए। मनीषा लुक्ड केयरफुली, मनीषा ने ध्यान से देखा। एट ऑल द ब्यूटी इन दैट वेट एंड ग्रीन पैलेस, और हरी भरी जगह की सारी खूबसूरती को गौर से देखा। शी ऑल्सो लुक्ड फॉर फाइव पेटल्ड वाइट फ्लावर ऑफ द लिमी, उसने लिमी के 5 पंखुड़ी वाले सफ़ेद फूलों की तलाश भी की। बट शी डिड नॉट फाइंड देम नियर द वाटरफॉल, लेकिन उन्हें उस झरने के पास नहीं मिला। दे देन क्लाइम्ड हायर वेयर No grass grew, only moss and small herbs beneath the tall trees. फिर वे ऊंचे चढ़ गए जहां कोई घास नहीं उगती थी, केवल ऊंचे पेड़ों के नीचे केवल काई और छोटी जड़ी बूटियां थी। मनीषा looked all around that green and mossy palace for the white flowers. मनीषा ने उस हरी और काई वाली जगह के चारों ओर फ्लावर ऑफ द लिमी प्लांट, लिमी के पौधे के सफ़ेद फूल देखे। बट शी डिड नॉट फाइंड देम देयर, लेकिन वह उन्हें वहाँ नहीं मिली। देन दे केम टू द हाईएस्ट पैलेस वेयर नो ट्रीज ग्रू एंड वाइट स्नो ले ऑन द स्टोनी ग्राउंड, फिर वे उस ऊंचे स्थान पर पहुंचे जहां कोई पेड़ नहीं उगते और पथरीली जमीन पर सफ़ेद बर्फ पड़ी थी। मनीषा लुक्ड केयरफुली अराउंड एंड वाइट एंड स्टोनी पैलेस टू फाइंड द स्टेरी फ्लावर्स ऑफ द लिमी, मनीषा ने उस सफ़ेद और पथरीली जगह के चारों ओर ध्यान से देखा तो लिमी के तारों वाले फूल मिले। बट शी फाउंड नॉन देयर, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिला।
दे वॉक्ड केयरफुली बैक डाउन द स्टीप पाथ थ्रू एन ओक फॉरेस्ट. वे एक ओक के जंगल के माध्यम से खड़ी रास्ते पर ध्यान से वापस चले गए. मनीषा लुक्ड अप एट द ट्रीज एंड एट नाइट ब्लू स्काई. मनीषा ने पेड़ों की ओर देखा और रात को नीले आसमान में देखा. द फॉरेस्ट वर्ल्ड वाज सो वाइड. जंगल की दुनिया इतनी चौड़ी थी. देयर वाज ए क्विक मूवमेंट एंड ए स्क्विरल लेप्ट डाउन. एक तेज गति हुई और एक गिलहरी ने छलांग लगा दी. द फॉरेस्ट वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ. जीवन से भरी थी जंगल की दुनिया. सी लुक्ड डाउन एट द पैलेस वेयर इट हैड डिसअपियर्ड. उसने नीचे उस जगह को देखा जहाँ वह गायब हो गई थी. इट वॉज ए टेंगल ऑफ टैनी प्लांट्स एंड वाइन्स ए स्मॉल गार्डन. यह छोटे छोटे पौधों और लताओं का एक जाल था, एक छोटा बगीचा. द फॉरेस्ट हैड सो मैनी ट्रीज. जंगल में कितने पेड़ थे. देन शी लुक्ड अगैन. उसने फिर से देखा. एट द फिट मनीषा सा ए मास ऑफ वाइट स्टेरी फ्लावर्स. उसने चरणों में मनीषा के सफ़ेद तारों वाले फूलों का एक समूह देखा. एंड स्मेल्ड द लवली स्कैंट. और सुंदर सुगंध को सूंघा. इट मस्ट बी द लीमी. यह सीमा होनी चाहिए. ग्रैंड मदर, दादी माँ, दाजू, शी कॉल्ड. उसने कहा. कम क्विकली, जल्दी आओ. दे कम. वह आए. इट वॉज इंडिड द लीमी. यह वास्तव में सीमा थी. वी मस्ट नोटिस वेयर इट ग्रोज. हमें ध्यान से देखना चाहिए यह कहाँ बढ़ता है. सेड दाजू. दाजू ने कहा. एज ही ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द फ्लावर इन हिज नोटबुक. दाजू ने अपनी नोटबुक में फूल की तस्वीर खींचते हुए कहा. वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब इट. हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए. फॉर एवरी प्लांट्स इज प्रीशियस. क्योंकि हर पौधा कीमती होता है. इफ वी मूव इट. अगर हम इसे हिलाते हैं. इट मे डाई. तो यह मर सकता है. आई विल कम बैक. मैं वापस आऊँगा. आफ्टर द फ्लावरिंग एंड रोपण के बाद. एंड कलेक्ट सम सीड्स ऑफ और प्लांटिंग. और इसके बीज इकट्ठा करूँगा और इसका इंतजार करूँगा. मे बी अवर माउंटेन्स विल अगेन हैव द स्वीट स्मेल ऑफ द लीमी. फिनिश्ड दाजू. दाजू ने कहा. हो सकता है कि हमारे पहाड़ों में फिर से लीमी की मीठी महक आ जाए. द स्वेलोज वर स्विंग इन वाइट स्वीप्स इन द वैली एज दे नियर्ड होम. घर के पास जैसे ही घाटी में निगल व्यापक रूप से झूल रहे थे. दाजू कैरियड ग्रैंड मदर्स अम्ब्रेला. दाजू ने अपनी दादी का छाता उठाया एंड हिज बैग. और अपना बैग उठाया. ग्रैंड मदर कैरियड ए स्प्रे ऑफ रेड फ्लावर्स. दादी ने लाल फूलों का छिड़काव किया. एंड मनीषा कैरियड ए हेड फुल ऑफ फॉरेस्ट मेमोरीज. और मनीषा ने जंगल की यादों को अपने साथ रखा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द सीरीज ऑफ इवेंट हैव जंबल्ड अप. रीड द स्टोरी एंड रीअरेंज द सेंटेंस टू फ्रॉम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑक्यूर्ड. ये यहाँ 6 सेंटेंस दिए हुए. ये सारे सीक्वेंस में नहीं है. हम इनको रीअरेंज करके लिखना है. मतलब कि ये सारे सेंटेंस आगे पीछे किए हुए हैं. हमें इनको लाइन से बना के फिर लिखना है. तो पहले ये आएगा. मेरे इधर नंबर लगाया हुआ है. ये एक नंबर पे ये. आफ्टर फेयरिंग अक्रॉस द रिवर दे क्रॉस्ड रोजवुड फॉरेस्ट एंड ए बूम्बो टिकेट. सेकंड पे ये आएगा. दे कम टू द हाईएस्ट पैलेस वेयर नो ट्रीज ग्रू एंड वाइट स्नो ले ऑन द स्टोनी ग्राउंड. थर्ड पे ये आएगा.
The oak forest was so wide, there was a quick movement and a squirrel leapt down. Fourth pe ye aayega. Manisha saw a mass of white cherry flowers and smelled the lovely scent. Fifth pe ye. I will come back after the flowering and collect some seeds for planting. Sixth pe ye. Manisha carried a head full of forest memories. Question number second. Fill in the blanks. They now climbed higher where no grass grew, only moss and small herbs beneath the tall trees. It is good for cold and coughs and aching bones. It was a tangle of tiny plants and vines. We must not disturb it, for every plant is precious. Maybe our mountains will again have the sweet smell of lily. Question number third. Write 5 important uses of plants. Plants ke 5 use batane hain. First, plant suppose rainfall. Barsaat mein sahayata karta hai. Second, plants give oxygen. Hume oxygen deta hai. Plants give fruit. Phal deta hai. Plants give gum. हमें गम देता है, बॉन. प्लांट्स गिव वेजिटेबल्स, सब्जियां देता है. क्वेश्चन 4. रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड. ये स्पेलिंग के लेटर आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनको सही करके स्पेलिंग बना के लिखना है. पहले का रोजवुड, दूसरे का बैम्बू, तीसरे का मॉस, चौथे का स्क्वायर और पांचवे का स्मेल. क्वेश्चन नंबर 5. You must have come across many flowers. Think and write flowers of following color. जो ये कलर दिए हुए हैं उन कलर के फ्लावर का नाम लिखना है. जैसे रेड कलर का फ्लावर होता है रोज, येलो का सनफ्लावर, ऑरेंज का मेरीगोल्ड, ब्लू का लिलीज, पिंक का लोटस, व्हाइट का लिली. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. ये आप अपनी नोटबुक में काम कर लेना. So thank you and bye.